सही प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। आयोग के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर की हुई ट्रेनिंग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। जनपद में छठे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस आप सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन। विभिन्न विधानसभाओं के प्रेक्षकों ने नामांकन कक्षों का किया निरीक्षण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर शोध पीठ द्वारा गोष्ठी का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जनपदवासियों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। पत्रकार वार्ता कर महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के विरोध में पार्टी के 28 सक्रिय सदस्यों ने पद से दिया इस्तीफा। विश्वविद्यालय के यूपी गर्ल्स एनसीसी कार्यालय पर कुलपति ने वर्चुअल फायरिंग रेंज का किया शुभारंभ। कैंट थाने की पुलिस ने 1 किलो 130 ग्राम नाजायज गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न सीएचसी पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और आगामी 14 फरवरी को श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा मनाया जाएगा मातृ पितृ दिवस। गोरखपुर जनपद में होने वाले छठे चरण के मतदान की तैयारियों को लेकर आयोग के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में प्रेक्षक द्वारा मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए माइक्रो ऑब्जर्वरों की ट्रेनिंग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वरों ने भाग लेकर मतदान से संबंधित बारीकियों की जानकारी प्राप्त की। तो जितना उसमें पड़ता है उतने इसमें भी रहता है, तो वो नंबर नोट कर लीजिए, कहीं इस चीज को दर्ज करना होता है तो वो वोट रिकॉर्ड कर लीजिए। ये पीठासीन अधिकारी के दायरे में भी भरना होता है कि जब मशीन खराब हुई थी तो उस समय तक खराब हुई मशीन में कितना होता, और उसको तुरंत उसको पहले केस में डाल उसको सील कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि कंट्रोल यूनिट में डेटा जो है सील हो चुका है, ये सील तो तोड़ नहीं सकते, इसका स्टेटस जीरो अब नहीं है, वोट पड़ा हुआ है, तो मार्कपोल कैसे कराएं? तो मार्कपोल नहीं हो सकती, ना ही कराया जाए। इसके बाद दूसरी स्थिति, बीयू या सीयू में से कोई एक खराब हो गई या दोनों ही खराब हो गए रियल, और जिसमें वोट पड़ गया है उसके मैंने खराब जो हुआ उसके भी कस्टोडियन पीठासीन, जो नई लेंगे उसके भी कस्टोडियन। अब इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में विभिन्न बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जा रही है और उनका माननीय प्रेक्षक जो पधारे हुए हैं विभिन्न विधानसभाओं के लिए आयोग के निर्देशन के क्रम में उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है और उनका अगले चरणों में भी प्रशिक्षण होगा। इनके द्वारा कड़ी निगरानी बूथों पर सेंटर्स पर की जाएगी और आयोग के निर्देशों के क्रम में ही पोलिंग पार्टियाँ और सुरक्षा बल द्वारा पोलिंग कराई गई या नहीं कराई गई इसके संबंध में रिपोर्ट दी जाएगी आयोग को और प्रेक्षकों को, और इस तरह एक स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध प्रयास किया जा रहा है और अच्छी गुणवत्ता की प्रशिक्षण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक भवन में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय, बड़े भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता,
वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नितिन मोबाइल हटाओ। नितिन भैया मोबाइल हटा दीजिए। खड़ा कर दीजिए, देखिए तो इधर खड़ा करा लो। आगे भैया ना वही सही हो। दो पंक्ति में नीचे लोग खड़ा तो दोनों आ जाएगा। आ जाए संतोष भी आ जाए। दो पंक्ति में नीचे आ जाए। हाँ बोलो बोलो। आ जाएगा। नारा लगा दीजिए। नारा नीचे बुला दो भैया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आज गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग भी यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर आकर के उनको पुष्प चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे महापुरुष थे जो अपनी पढ़ाई के समय में हाई स्कूल से लेकर के स्नातकोत्तर तक सभी में ऑलराउंड फोर्थ फर्स्ट क्लास थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनसंघ के स्थापना काल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ महामंत्री रहे और 1968 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। उनके नेतृत्व में उन्होंने उनका जो सपना था, उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था। एकात्म मानववाद दर्शन उन्होंने दुनिया को दिया। एकात्म मानववाद का मतलब एक ही आत्मा सब में है, फिर कैसा भेदभाव। विधानसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए हो रहे नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी चेतना पांडे सहित विभिन्न विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र कलेक्टर परिसर के विभिन्न कक्षों में दाखिल किया। आप ही होना प्रत्याशी लगाइए लगाइए नारा। नहीं है। पूरा नाम बताइए। कन्हई निषाद विधानसभा 321 सिकराई। अब नजदीक आ भाई, पूरे पीछे वाले अच्छा ठीक है। दोनों लोग माला पहने ना, लग रहा दोनों प्रत्याशी। नहीं नहीं ठीक है। नहीं 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 ठीक है भैया। इधर आप लोगों की मदद चाहिए भैया। मैं भी इसी कुनबे से हूँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय करणानंद व नामांकन करने आए प्रत्याशियों ने बताया, आज 11 फरवरी को आज नामांकन के लिए अंतिम दिन है। 11 से 3 बजे के बीच में आज नामांकन होगा। जैसे अभी पिछले एक सप्ताह से नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराई जाएगी, पूरे मुस्तैदी के साथ, पुलिस सुरक्षा बल के व्यवस्था के साथ और सारी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ
ये प्रक्रिया को कुशल संपन्न कराया जाएगा। सभी आरओस और उनकी टीम अपने यहाँ काम कर रहा है। मेरे साथ तो नया लड़ने का कोई सिलसिला है नहीं, आप लोग तो इसी शहर के रहने वाले हैं तो परिचित हैं कि छात्र संघ की राजनीति की है गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कठिन चुनाव है, उससे मतलब अलग तरीके का चुनाव है। और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, प्रियंका दीदी ने मुझ पर अगर विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से अपना शत प्रतिशत मैं करूंगी उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए। और आप सबकी दुआएं लगी, ईश्वर ने चाहा तो परिणाम कुछ बहुत अच्छा होगा। आगामी 3 मार्च को जनपद में होने वाले मतदान को लेकर आयोग के निर्देश के क्रम में विभिन्न विधानसभाओं के प्रेक्षकों ने नामांकन स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिद्धांत सहित अनेक विचारों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे उपस्थित छात्रों को आशीर्वाद देने का और कंपलसरी कोर्स है, अगर बच्चे को अगर डिग्री चाहिए तो दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर का 2 क्रेडिट कोर्स करना होगा। तो हम यही कह रहे थे ये तो सारी मिस्ट्रीज में होना चाहिए और मुझे उम्मीद है, मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो कार्यक्रम मैं अच्छा चाहता था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। इस बार भी और चूँकि कोरोना और इलेक्शन दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि और अच्छा होगा। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम था, उसी बात को काफ़ी इंटर कॉलेज इंटर स्कूल बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं परसों महामहिम से मिला था, मैंने इस बात की चर्चा की थी, जो हमने 2 क्रेडिट अपनी बहुत बड़ी दी है। साथ ही साथ हमारे विधायक जी ने जो चर्चा की, मैं उसी फिलोसफी को मानता हूँ कि चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे सोशलिस्ट। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है और ये कार्यक्रम आज खत्म हुआ है। हम लोग ने उसमें आपने देखा कि कई प्रतियोगिताएं अरेंज की गई थी, जिसमें निबंध की थी और लिटरेचर की थी, वाद विवाद की थी, क्विजेस की थी, वो तो सारी उसके हम लोग ने पुरस्कार दिए हैं। और ये जो 2 क्रेडिट का कोर्स हम लोग ने बनाया है तो हम लोग ने अपने यहाँ तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब हम लोग की प्लानिंग है कि उनके अगले जन्मदिन तक आते आते हम लोग सरकार से घोषणा कराएं कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको हम लोग लागू करेंगे। गोरखपुर जनपद के 9 विधानसभाओं में 6ठे चरण में होने वाले आगामी 3 मार्च को मतदान को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद वासियों से अपील करते हुए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, मैं सभी सामान्य नागरिकों को जैसा कि हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी सामान्य मतदाता
3 मार्च को हमारे जनपद को गौरवान्वित करने के लिए और हम अपने मतदान अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपके लिए वहाँ सभी सुगम व्यवस्था के लिए सारे बूथों पे अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया गया है, संतृप्त किया गया है। वहाँ पुलिस सुरक्षा बल और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी को ये प्रेरित किया जा रहा है कि यहाँ हम हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे संवैधानिक अधिकार का दायित्व को एहसास करते हुए हमें 3 मार्च को उत्सव की तरह मनाते हुए हमारे गणतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए मतदान अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत, विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिनभर। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने पर महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रोहन पांडे ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को ताक पर रखकर प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर आरोप लगाते हुए लगभग 28 से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने पद से इस्तीफा दिया है। हम लोग पद से अभी इस्तीफा दे रहे हैं, आगे चल के हम लोग खुद सोच समझ के जो भी होगा हम लोग, और ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले हूँ। हाँ, और हमारा ये हम लोग सारे जो हैं यहाँ पे सारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जो क्राइटेरिया इन लोग का बना था कि जो भी, और प्रदेश अध्यक्ष सबके सामने ही बोले थे यहाँ पे कि जो भी टिकट पाएगा वो आपस के में एक कार्यकर्ता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ जो प्रेजेंट करके जो प्रत्याशी हैं चेतना पांडे, वो आए हुए कितना दिन हुआ? 8 महीना हुआ है, और वो क्या लड़ेंगी? उनका घर मझगामा में, यहाँ गोरखपुर शहर में नहीं है उनका, ना तो उन्होंने कभी आज तक सदस्यता एक भी करवाई हो, कांग्रेस की सदस्यता करवाई हो तो मैं बताइए, कुछ नहीं उन्होंने करवाया। ये गिव एंड टेक पॉलिसी चल रही है, यही कारण है, यही साजिश था कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी लेट किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 5/15 यूपी गर्ल्स एनसीसी कार्यालय पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा वर्चुअल फायरिंग रेंज का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस वर्चुअल फायरिंग रेंज के माध्यम से एनसीसी में ट्रेनिंग कर रहे बच्चों को काफी सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिसका राउंड पूरा हो जाता है चाहिए आप खड़े होकर बैठिए। आप से रख दो सावधान, एक कदम पीछे चल, अपने अपने पॉइंट देखो, 3 नंबर पे एक ही गोली लगाए, ठीक है? बिल्कुल
अभी एक्चुअली हमारा भी प्रैक्टिस है, अभी पक्का नहीं है, बढ़ा सकते हैं जी सर, क्योंकि इंक्रीज द रेंज है जी सर, इसमें रेंज है, मुझे कैमरा चाहिए मीटर का है, कितने मीटर का डिस्टेंस है, चेंज है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, वर्चुअल फायरिंग रेंज का इनॉग्रेशन किया है। ये वर्चुअल फायरिंग रेंज से क्या है कि जो आप वर्चुअली डिस्टेंस लगा देते हो और आर्टिफिशियली डिजिटली इसको हिट करते हैं, तो उसमें आपका जो शूटिंग स्किल है उस पर चेक होता है और उसको इम्प्रूव होता है। तो एक्चुअली आप जो वर्चुअल उसमें क्या एक्चुअल गोली ना यूज़ करके, एक्चुअल रेंज ना यूज़ करके एक फिक्स डिस्टेंस से हम वो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डिजिटली मेड है और इससे समय बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं और बच्चा जो शूटिंग की एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इसमें हम लोग इनक्रेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। हमारे पास ऐसी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के शूटर हैं, तो एक शूटिंग कल्चर बढ़ाने में ये मदद करेगा। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने 1 किलो 130 ग्राम नाजायज गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। श्री योग वेदांत सेवा समिति गोरखपुर द्वारा आगामी 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस पूजन का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि संस्था द्वारा पिछले 18 वर्षों से यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं द्वारा अपने माता पिता का पूजन किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर समिति की सदस्य मधु द्विवेदी ने बताया, जी बिल्कुल मनाए, हम किसी को उसका अपोज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हम अगर उसी को डिवाइन वैलेंटाइन के रूप में मनाएं तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमें असली वैलेंटाइन तो हमारे माता पिता होने चाहिए, तो फिर हम दूसरों को फूल देकर के और फिर गुमराह हो रहे हैं, ये उचित नहीं लगता। मैं युवा पीढ़ी हूँ और मुझे लगता है कि इसमें हम जो रास्ता चूज़ कर रहे हैं, अंधा अनुकरण कर रहे हैं अगर हम पाश्चात्य संस्कृति का, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमें अपने देश माता पिता के संस्कारों को लेके चलना है, ना कि विदेशियों की नकल करके हमें अपने गुमराह होना है। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आयोग के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर की हुई ट्रेनिंग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। जनपद में छठे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, आप सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन। विभिन्न विधानसभाओं के प्रेक्षकों ने नामांकन कक्षों का किया निरीक्षण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर शोध पीठ द्वारा गोष्ठी का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जनपदवासियों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। पत्रकार वार्ता कर महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के विरोध में पार्टी के 28 सक्रिय सदस्यों ने पद से दिया इस्तीफा। विश्वविद्यालय के यूपी गर्ल्स एनसीसी कार्यालय पर कुलपति ने वर्चुअल फायरिंग रेंज का किया शुभारंभ।
कैंट थाने के पुलिस ने 1 किलो 130 ग्राम नाजायज गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न सीएचसी पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और आगामी 14 फरवरी को श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा मनाया जाएगा मातृ पितृ दिवस। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत, साईं पढ़ूं।